मैडम जो आज ये सरोजाती खाप पंचायत हुई है इसमें किस किसके लिए बुलाई गई थी और इसके अंदर क्या निर्णय लिए? देखिए ऐसा है, 4 साल हो गए, 2016 में आरक्षण हुआ था, हम आरक्षण मांग रहे हैं जो हमारा हक है, भीख तो हम मांग नहीं रहे, हमारा हक है। अब आरक्षण के बाद 4 साल हो गए, हमारे 2000 बच्चों पे मुकदमे हैं, ना तो हमारे बच्चों के मुकदमे खारिज हो रहे हैं, ना जो CBI वाले मुकदमों की हमारी पंचायत हुई थी जनवरी में, वो पंचायत में फैसला हुआ था कि बच्चों के मुकदमे हटा देंगे, ना वो हटाए। आए दिन आप घोटाले देख लो, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, PTI वाले दुखी हैं, नर्सिस को पीट दिया, टीचर दुखी है, किसान दुखी है, कोई सब दुखी है। तो ये यहाँ पे 5-6 हमारे सामाजिक मुद्दे थे, उन सामाजिक मुद्दों को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई सरकार या तो इन सारे मुद्दों को शॉर्ट आउट कर दे, जितने भी वर्ग के लोग जो 36 बरादरी के भाई हमारे परेशान हो रहे, अब 1983 हमारे जो PTI ये बच्चे हैं बैठे, इनकी क्या गलती है? 10 साल आपने नौकरी करवा ली, अब उनको लात मार के निकाल दे, तो पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए ना? इतना कोई राजस्व वो नहीं है कि सरकार के पास पैसे नहीं है कि आप सैलरी नहीं दे सकते। दूसरा क्या कि बड़ौदा में चुनाव है भाई, जहाँ भी चुनाव होंगे, पिछले असेंबली इलेक्शन आप उठा लो, जब असेंबली इलेक्शन हुए थे हम लोगों ने उस टाइम पे भी इनका विरोध किया था। देखो जितने भी किसान कमेरी जातियां हैं वो सारी इनके खिलाफ हैं, हम इन मंडी फंडियों के खिलाफ हैं। इन लोगों को समझ आना चाहिए कि ये किसानों का प्रदेश है और यहाँ पे हम लोगों की सुननी पड़ेगी, हमारे डिमांड माननी पड़ेगी, हमारे भाइयों को तुम लोगों ने जो टॉर्चर किया है 4 साल, हमारे बच्चों पे जो मुकदमे वो हटाने पड़ेंगे, हटाएंगे तो ठीक है, ना हटाएंगे तो ये आंदोलन होगा। फिर मैडम ये बताइए, आप चुनाव इसको लेकर भी कोई निर्णय लिया गया अभी? अभी 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 जैसे हमारे प्रवक्ता जी ने बताया है कि अभी अभी हम एक जनसभा और करेंगे, ये तो खाली एक पंचायत है, इसमें हम सिर्फ सरकार को एक चेता रहे हैं, या तो सरकार सुन लेगी, नहीं सुनेगी तो फिर हम प्लान करेंगे कि हम आंदोलन करेंगे। एक आंदोलन का रूप ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है। और क्या मुद्दे रहेंगे आपको? नहीं फिलहाल तो हमारा जो मेन मुद्दा वही कि हमारे बच्चों के मुकदमे वापिस हट जाए, और जो मैंने बताया कि जो PTI मास्टर वाला है ये हट जाए, और जाट समाज का जो SBC का मुद्दा चल रहा है SBC वाले बच्चों को नौकरी लगाई जाए। जी थैंक यू मैडम। एक क्वेश्चन मेरा भी है, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप सरकार के विरुद्ध एक और उम्मीदवार उतार दोगे जिससे सरकार विरोधी जो वोट है उसका बंटवारा हो जाएगा, इससे तो सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा? नहीं देखिए ऐसा है, यहाँ पे जो बाहुबल एरिया है वो किसानों का एरिया है, ठीक है, सरकार का प्रतिनिधि कोई भी हो, अब की बार हम ये फैसला करेंगे कि जो भी प्रतिनिधि होगा, अन्य जो सरकारें हैं, जो अन्य जो गुट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनसे भी बात की जाएगी। हम ये चाहेंगे कि BJP को ये दिखाया जाए कि किसानों का जो प्रतिनिधि होगा, किसान अपने प्रतिनिधि को अपनी बात बनाएंगे, काम करेगी। क्या सरकार के विरोध में आप? हाँ बिल्कुल, हम सरकार के विरोध, जो नेता सरकार कर रही है ऐसा, सरकार कोई भी हो, अगर आज कांग्रेस होती और कांग्रेस हमारी नहीं मानेगी, हम उसके भी विरोध में है। BJP आज सरकार में बैठी है, मुख्यमंत्री जी को हमें एक बात कहते हैं, भैया हमारी बातें मान लो, हमें किसी का विरोध नहीं करना, हमारी मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो हम विरोध में खड़े हैं। जी जी ठीक है, धन्यवाद मैम। जी जी थैंक यू। देखिए संगीता दैया जी ने जो हमारे को बताया कि भाई सरकार के खिलाफ है हम, इसलिए सरोकापमा पंचायत में जो निर्णय लिए गए, इन्होंने बताया कि एक दो पंचायत और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि अपना निर्दलीय उम्मीदवार उतारा जाएगा या नहीं। इसी प्रकार आप देखते रहिए DN हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा।